हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने कुछ चीज़ जान ली थी, हमने ये जान लिया था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट में है तो किसको किसका कॉलर पकड़ना है, टॉप मैनेजमेंट का, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने ये भी जाना था कि इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फेल कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अगर फेल हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कराने की कोशिश करता है, उन गोल्स को मीट आउट कराने की कोशिश करता है, उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कराने की कोशिश करता है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है, हमने ये जाना था कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली उन कंपनीज़ में जहाँ पर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है, जो IT से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, और उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और हमने ये भी जाना था कि रिस्क मैनेजमेंट में हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी रिस्क असेसमेंट की। हम यहाँ तक पहुँच गए थे और हम ये जान रहे थे कि रिस्क असेसमेंट की बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कई जगह कोई रिस्क ओवर हाइप हो जाता है, कोई रिस्क अंडर हाइप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर आग लग जाती है, किसी कंपनी में आग लग गई तो खट से न्यूज़ आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, दिल्ली में फला कंपनी में आग लगी। लेकिन अगर एक बैंक में डेटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैंक अभी उस इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालता है, क्योंकि अगर उसके सेंट्रलाइज डेटाबेस में कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपके पैसे में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लग सकता है मेरे खाते में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ वो चीज़ें बैंक दबा जाता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है वो आउट नहीं होने देती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती हैं। तो बेसिकली जो है, आपको ये देखना है कि मीडिया ओवर हाइप की वजह से कई चीज़ें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट को नहीं पता होती हैं। कई केसेस में उसके पास उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को कांस्टेंट ट्रेनिंग हो और उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, या फिर कोई बाहर का एक्सपर्ट हायर कर दिया जाए, और जिससे कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क हैं वो हम ओवरलुक ना करें, एक बैलेंसिंग हो, मतलब रिस्क में एक बैलेंसिंग हो। जो हाई प्रायोरिटी रिस्क हैं, सही तरीके से रिस्क का प्रायोरिटाइजेशन हो। जब हम रिस्क को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जब हम रिस्क को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम एसेट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसके सामने ये बता रहे हैं कि एसेट कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें उस एसेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, जब हम ये लिख रहे हैं, जब हम ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें ये देखना पड़ेगा कि रिस्क की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क की बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, वो मिसकॉन्सेप्शन मतलब ये है कि रिस्क का मतलब ये नहीं, केवल ये नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ बुरी, आपके साथ कोई चीज़ बुरी हो जाए, आपकी कंपनी के साथ कोई चीज़ बुरी हो जाए, डेटा लॉस हो जाए, या कंपनी में आग लग जाए, या कंपनी मैं कोई चीज़ चोरी हो जाए, या वहाँ पर कोई एरर ओमिशन या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाएं जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिकली आपकी कंपनी को लॉस हो जाए, तो यही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट ये भी है कि कहीं आप एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ तो नहीं रहे हैं। क्यों है ये? इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि कई कंपनी कई अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ने की वजह से वो ख़त्म हो गई। जैसे कोडेक का एग्जाम्पल है, कोडेक एक कंपनी थी जिसने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया। उस डिजिटल कैमरे का जब आविष्कार हुआ तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो डिजिटल कैमरा गया और उन्होंने कहा जी ये किस काम का है, किसी काम का नहीं है। लेकिन एक वन फाइन मॉर्निंग कुछ समय बाद क्या हुआ, चारों तरफ डिजिटल कैमरे ही थे और दूसरे कैमरे ऑब्सलीट हो गए और कोडेक कंपनी भी ऑब्सलीट हो गई, क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं कर पाई। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी को न ग्रैस्प करना कर पाना भी एक रिस्क है, और ये इस प्रस्पेक्टिव से भी रिस्क मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। स्ट्रेटेजिकली रिस्क मैनेजमेंट जब आप जाओगे तो आपको एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आप उसको बताओगे कि भाई ये हो गया था, कोडेक जैसी कंपनी इसलिए ऑब्सोलीट हो गई थी। तो ये देखना है कि आपकी कंपनी में कहाँ अपॉर्चुनिटी, और पर्टिकुलरली एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आपकी कंपनी जितनी ऑटोमेटेड होगी उतनी उसकी कॉस्ट कम होगी, और उतनी कॉस्ट कम होगी और उतना बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि एक लेवल के बाद अगर आप कम कॉस्ट से देख रहे हो तो वॉल्यूम्स अपने आप बढ़ने लग जाते हैं,
मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिटी को आप एक पर्टिकुलर कॉस्ट में दे रहे हो, और उसके बाद मार्केट एक पर्टिकुलर कॉस्ट में दे रही है, और आप मालूम पड़ा कॉस्ट बहुत ज़्यादा डाउन कर लेते हो, तो मार्केट तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकने पड़ेगा, आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा बिकने लगेंगी। तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी का खोना भी एक रिस्क है। तो इस प्रस्पेक्टिव से भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इसके बाद हमारी स्टडी में इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में बताया गया। अच्छा, एक चीज़ है कि रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जनरली अलग अलग होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा है वो रिस्क को मैनेज ना करे, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में आता है। अगर अच्छी कंपनी है, कई कंपनी में तो वैसे रिस्क मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा होगा, एक रिस्क मैनेजमेंट की कभी बात हो जाती होगी बोर्ड मीटिंग में, प्रोफेशनल वे में एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वहाँ पर होगी नहीं, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान जैसी कंपनी में, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की ओपिनियन देना कि भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं। आप एक एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, या आप वहाँ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस बना सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स के लिए, ये जागरूकता आपको ही लानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये कहना है, ये एक चीज़ और है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि रिस्क आइडेंटिफाई और रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों चीज़ अलग अलग होनी चाहिए, वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। क्योंकि रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सही है, एक ही आदमी कर रहा है तो वो रिस्क कहेगा रिस्क है ही नहीं, बहुत कम रिस्क बताएगा आपको, क्योंकि कम रिस्क बनाएगा और फिर उसके बाद वो रिस्क को मैनेज करेगा, और जिस टाइम पर डिजास्टर हो जाएगा वो कहेगा भैया रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, मेरे कोई मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये क्यों डाला गया, इसको सेग्रीगेट क्यों नहीं किया गया, एक एक्सपर्ट क्यों नहीं बुलाया गया, उसे बताया, उससे ये मैं इस एरिया का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, वो एरिया का एक्सपर्ट रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और रिस्क असेस करेगा और हमें बताएगा, और फिर हम रिस्क में मैनेज करेंगे। पर्टिकुलर रिस्क इतनी तेज़ी से मार्केट चेंज हो रही है, 5 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, तो मुझे क्या पता इतने की कौन कैसे कैसे रिस्क हैं, क्या कैसे कैसे रिस्क असेसमेंट है, या फिर वो ब्लेम गेम खेलने लगेगा, वो कहने लगेगा जी कंपनी में तो ट्रेनिंग ही नहीं होती, ये कंपनी तो बेकार है। तो बेसिकली अगर एक अच्छी कंपनी होगी, सबसे पहले तो वहाँ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स होंगे, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट अलग हुआ, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना और उसको मैनेज करना। असेस करने के बाद उसे मैनेजमेंट को दे दिया जाएगा, भैया ये रिस्क है, ये रिस्क मैट्रिक्स है, आप इसे मैनेज करो और इसे इस तरीके से मैनेज करना है। आपके वहाँ अगर आप एक सपोज़ बैंक हो तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, HSBC जैसे बैंक हो तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपका ATM घंटे भर भी बंद रहे, क्योंकि आपके वहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं वो $1 million क्लाइंट होते हैं, और वो आधा घंटा एक घंटा बंद रहे ये अफोर्ड नहीं कर सकते, महीने भर में भी आधा घंटा एक घंटा बंद रहे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका कांस्टेंट चलते रहना पड़ेगा, 15 सेकंड से ज़्यादा आपका ATM डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे बैंक से, सरकारी बैंक से वहाँ पर ATM ज़्यादा डाउन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो HSBC बैंक में जब कोई रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट होगा तो वहाँ पर ये सारे इस तरीके से असेसमेंट होगा कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस डाउन ना रहे और ATMs काम करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये इसको असेस करने वाला आदमी दूसरा आदमी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया पड़ा आपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट एक ही आदमी को दे दिया तो वो तो कहेगा सरकारी बैंक्स में तो ये होता है, लेकिन ये तो भाई वर्ल्ड का प्रीमियर बैंक है, HSBC बैंक है, या कोई पर्टिकुलर बैंक है जो कि हाई वैल्यू क्लाइंट्स को सर्विसिंग देता है। तो यहाँ पर रिस्क के आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का असेसमेंट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर डिफरेंट है, यहाँ का बॉल गेम डिफरेंट है। अगर कस्टमर उतना ज़्यादा, उसको सर्विसेज का लेवल्स हाई चाहिए, उसके लिए 5-7-10 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता, नो डाउट वो भी मायने रखता है, अगर वो भी आप उसको उसकी भी वैल्यू दे सकें तो ठीक है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करता है जब भी वो ATM में जाए तो वो चलता हुआ मिले, उसमें से पैसे निकलें, इसीलिए आप उसे एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहते हो, आप कहते हो ₹1,00,000 या पर्टिकुलर अमाउंट मिनिमम बैलेंस उसमें होना चाहिए, उससे नीचे के कस्टमर आपको नहीं चाहिए, वो हाई वैल्यू कस्टमर चाहिए, उनको हाई लेवल सर्विसिंग देते हो, वो हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे आप पैसा कमाते हो। तो बेसिकली रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट
अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आईटी में अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का कोई एग्जांपल पूछे तो आप ये कहोगे कि इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट अलग व्यक्ति करे और रिस्क मैनेजमेंट अलग व्यक्ति करे। जो व्यक्ति रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट कर रहा है वो रिस्क को मैनेज ना करे, और बेटर हो कि बाहर का एक एक्सपर्ट आए और वो रिस्क को आइडेंटिफाई करे और रिस्क को असेस करे और आपको बताए। और एक दूसरा कंसल्टेंट ये हायर कर दिया जाए या इनर एक्सपर्ट्स की इनर कंपनी एक्सपर्ट्स की मदद ली जाए जो कि इस रिस्क को फिर मैनेज करें। तो हमारी स्टडी जो है वो अगला टॉपिक जो बताती है वो बताती है इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताती है, और उसमें सबसे पहले हमारी स्टडी कहती है कि आपको इन्फॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। और अब तक मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन एसेट है वो क्या है, वो है डेटा। डेटा इन्फॉर्मेशन एसेट है, सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है जो आज की डेट में पैदा हुआ है। लेकिन इस डेटा को रखने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इसको प्रोसेस करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और इसको रेस्ट में रखने के लिए हार्डवेयर या कंप्यूटिंग फैसिलिटी चाहिए होगी जो कंप्यूट करेगी। हार्डवेयर या सर्वर या लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स चाहिए होंगे, CPUs चाहिए होंगे, हार्डवेयर चाहिए होगा। और अगर ये मूवमेंट हो रहा होगा तो डेटा ट्रांजिट में होगा, अगर आपके वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क है तो लैन कॉर्ड्स होंगी, और डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सर्वर से क्लाइंट सर्वर सिस्टम में एक दूसरी जगह कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो डेटा मूव कर रहा होगा, डेटा इन ट्रांजिट होगा। और ऐसा डेटा इन ट्रांजिट जो डेटा मूव कर रहा है वो डेटा आपके लिए, उसके लिए केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और ये आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक आईटी फैसिलिटी में हाउस्ड होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आईटी एसेट में होती हैं, क्योंकि आईटी का एसेट जो डेटा है वो इन सारी चीज़ों के बिना जिंदा नहीं रहता है, इन सारी चीज़ों के बिना वो सुरक्षित नहीं रहता है, इन सारी चीज़ों के बिना वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहता, इन सारी चीज़ों के बिना आपको हेल्प नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ पर एसेट रहता है, सॉरी डेटा एसेट रहता है, हमारी मेमोरी रहती है, हमारी याददाश्त रहती है, हमारे थॉट्स रहते हैं, हमारे विचार रहते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा एक इलाबोरेट सिस्टम से, उसके अंदर ब्रेन रूपी हार्डवेयर है, उसमें कांस्टेंट ब्लड जा रहा है, ब्लड जाने के लिए हार्ट है, उसके लिए हम खाते हैं, खाने के लिए फिर खाना खाते हैं, खाना पचता है और फिर हम मूव करते हैं तो उसके लिए पाँव हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी पूरी एक बॉडी है, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन एसेट है। तो इंफॉर्मेशन एसेट को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले स्टेप जो है इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और हमारी स्टडी भी ये कहती है कि सबसे पहला आप आइडेंटिफाई करोगे भैया इन्फॉर्मेशन एसेट कौन है, और फिर उसके बाद उनको क्लासीफाई करोगे क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, और जो क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल एनालॉजी है बैंक की, बैंक में एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, वो वहाँ पर सारी आपकी खातेदारों की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, बैंक अकाउंट होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, उसको इसको सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक में अगर मेल्स चल रहे हैं, अगर मान लिया सपोज एक ब्रांच के दूसरे ब्रांच में या हेड ऑफिस में मेल्स कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अकाउंट होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन है। यानी क्रिटिकलिटी में अगर आप देखोगे किसी एम्प्लॉय का मेल बॉक्स की इंफॉर्मेशन या जो अकाउंट होल्डर के ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में रखी है, तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन रखी है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की होगी, क्रिटिकल बिजनेस नीड्स को वो मीट आउट करेगी, मिशन क्रिटिकल एसेट होगा वो, मिशन क्रिटिकल एसेट होगा, यानी उसके मिशन के लिए, बैंक के मिशन के लिए क्रिटिकल एसेट होगा, और उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपका बैंक समाप्त हो जाएगा। विद इन आज की डेट में बैंक की रिस्पॉन्सिवनेस इस वजह से बढ़ गई है, ATMs वगैरह की वजह से बढ़ गई है, आप कहीं पर भी जाते हो पैसा लेकर नहीं जाते हो, सीधे ATM से पैसा निकालते हो, लेकिन इससे रिस्क भी बढ़ गया है। अगर डेटाबेस गायब, बैंक गायब, विद इन सेकेंड्स डेटाबेस गायब हो सकता है और विद इन सेकेंड्स बैंक गायब हो सकता है। दो उसके लिए हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इन्फॉर्मेशन एसेट का आइडेंटिफिकेशन। आप इन्फॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई करोगे, ये जानोगे कि कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा नॉन क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल कौन, उसके बाद आप
उसको देखोगे कि नॉन क्रिटिकल में कौन से कंट्रोल्स लगाने, क्रिटिकल में कौन से कंट्रोल्स लगाने। तो एसेट्स को आपको ग्रुप करना पड़ेगा, आप एसेट्स को कॉन्सेप्चुअल या इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में डिवाइड कर सकते हो। जैसे डेटा और इन्फॉर्मेशन है, डेटा इन्फॉर्मेशन किंग है, राजा है, उसी की वजह से, उसी के लिए ये सारा काम हो रहा है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन एसेट जाहिर है स्टोरेज डिवाइस में होगा, हार्ड डिस्क में होगा या ट्रांजिट में होगा। मतलब डेटा हमने पढ़ा दो तरीके से रखा जाता है, एक तो हार्ड डिस्क में रखा जाता है, डेटा मूव कर रहा होता है, डेटा इन ट्रांजिट या डेटा इन रेस्ट। डेटा रेस्ट में कहाँ पर होता है, आपका स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। डेटा ट्रांजिट मूव कर रहा होता है कहाँ पर होता है, कम्युनिकेशन कॉर्ड्स में होता है, ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, अनट्विस्टेड पेयर हो सकता है, जो हमने केबलिंग कॉर्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकते हैं या दूसरे तरीके के वायर्स हो सकते हैं, उसमें डेटा मूव कर रहा होगा। तो ये डेटा सुरक्षित रहना चाहिए, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, कॉपिंग नहीं होनी चाहिए, थेफ्ट नहीं होना चाहिए, डेटा का कोई डैमेज नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डेटा मूव कर रहा है तो क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या है, ये मैंने बोला दो टाइप के होते हैं, एनालॉग होता है या डिजिटल होते हैं। एनालॉग का मतलब क्या हुआ, एनालॉग का मतलब ये हुआ कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के रूप में डेटा जा रहा होगा। 220 से 240 वोल्ट जा रही होगी तो वो 1 मान ली जाएगी, 0 और 12 से 14 वोल्ट जा रही होगी तो 0 मान ली जाएगी। और या फिर पल्सेस के रूप में जा रहा होगा डेटा, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में, अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस गई तो 1 मान ली, नहीं बीच में कुछ गैप, कुछ माइक्रोसेकंड नैनोसेकंड का गैप हुआ और फिर उसके बाद पल्स गई या नहीं गई, अगर नहीं गई तो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से डेटा मूव कर रहा होता है, डेटा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जब मूव कर रही हैं आपके केबलिंग में तो दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो ये आ सकती है कोई मैनिपुलेट ना कर ले, दूसरा है कोई उसको कॉपी ना कर ले, और तीसरा यह है कि उसमें बीच में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कॉर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना आ जाए। तो वो डेटा और इन्फॉर्मेशन चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बींग क्यों सुपीरियर आदमी है, ह्यूमन बींग सुपीरियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसको डेटा रखने की कैपेसिटी है और उसको डेटा को यूज़ करने की कैपेसिटी है। ऐसी ही कैपेसिटी धीरे धीरे हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में आती जा रही है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से ये एक नया ऑडिट पैदा हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। आज की डेट में आपको एक स्पेशल ऑडिटर बना दिया गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, और उसका एक सिंपल रीज़न है कि डेटा और इंफॉर्मेशन किंग हो गया है, और डेटा और इंफॉर्मेशन किंगशिप उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब डेटा रखा हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी प्रोसेसिंग होनी, प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। तो ये इंटेंजिबल्स हैं, डेटा और सॉफ्टवेयर जो है इंटेंजिबल्स है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन में आपको रात को सोने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि आपको रात को सोने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो आपका डेटा, दिन भर का डेटा ब्रेन में प्रोसेस हो रहा होता है। और भी बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, 8 घंटे की नींद में जब आप 6 घंटे या 8 घंटे की नींद लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में, सेल रिपेयर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो चीज़ ये है कि आपका ब्रेन जो होता है उस समय प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जिस समय आप सोते हो तो उस समय दो टाइप के स्लीप साइकिल्स होते हैं, एक REM होता है, एक NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आपकी आंखें मूव नहीं करती हैं, आंखें सोते समय बिल्कुल स्टैटिक रहती हैं। लेकिन किसी भी सोते हुए आदमी को अगर आप देखोगे तो उसकी आंखें अगर बीच में आधे घंटे या 45 मिनट, हर 45 मिनट बाद मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, वो उस समय आप सपना देख रहे होते हैं, और वो होती है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट में आपका ब्रेन जो होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को रैपिड मूवमेंट के टाइम पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उठा दिया गया, मतलब उसको सोने नहीं दिया, अच्छी तरह से नींद नहीं दी गई, तो दिन में आदमी परेशान होने लगा, हलूसिनेट होने लगा, बाकी सारी चीज़ें उसकी काम कर रही थी लेकिन ब्रेन में इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोसेस नहीं हुई। तो ब्रेन जो ब्रेन है वो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। ब्रेन एडवांस है, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनमैश्ड है, यानी उसी ब्रेन न्यूरॉन सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सब तरीके से काम करता है। लेकिन जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये डेटा अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल्स में आता है, सॉफ्टवेयर भी एक इंपॉर्टेंट एसेट है क्योंकि वही डेटा को मैनिपुलेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दोनों ही इंटेंजिबल्स में आता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं और जैसे पेरोल सेल्स के पैकेजेस होते हैं और वो उसको उस डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और चूंकि वो उस डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं
तो आपके लिए वो एक रिजल्ट्स पैदा कर रहे होते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वो सही रिजल्ट्स पैदा करें। उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, कंपाइलर होते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, DBMS होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनका इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो अगर इनका मॉडिफिकेशन अनऑथराइज मॉडिफिकेशन होगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इंटरनल व्यक्ति कर सकता है, एक्सटर्नल व्यक्ति कर सकता है, तो उससे क्या होगा कि इस डेटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस डेटा की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, ये मैनिपुलेटेड डेटा हो जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आने लगेगा। अगर मूवी आती है तो मूवी बीच बीच में रुक रही होती है, आवाज़ नहीं आ रही होती है, थोड़ी सी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, वो मूवी बेकार हो जाती है। तो वो मूवी तब तक मूवी है जब तक उसका डेटा बिल्कुल सुरक्षित है, वो सही तरीके से रखा हुआ है और सॉफ्टवेयर उसको सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है। सॉफ्टवेयर के बिना डेटा की वैल्यू नहीं है, डेटा किंग है, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसको मैनिपुलेट कर रहा है। इसके बाद फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में ये डेटा रखा जाता है, सॉफ्टवेयर भी उस हार्डवेयर में रखा जाता है। आपका मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर एंड्रॉइड है, सैमसंग का आपने मोबाइल लिया, वो हार्डवेयर है, उसके ऊपर एंड्रॉइड लगाया ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद व्हाट्सएप और ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसमें चल रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, और फिर उसमें डेटा रखा हुआ है, आपने सारा का सारा उसमें डेटा रखा हुआ है। लेकिन डेटा होने के लिए आपके सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ये इंटेंजिबल्स हैं, और हार्डवेयर भी होने चाहिए, फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स, हार्डवेयर भी होनी चाहिए। उसके अलावा नेटवर्किंग डिवाइसेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लाइंस, कंसंट्रेटर्स, हब्स और स्विचेस, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और फिर एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हाउस्ड हों। और फैसिलिटी में क्या होगा, एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये पर्टिकुलरली सर्वर्स और कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली सर्वर्स जो है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट रखते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, उनकी हार्डवेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, और हार्डवेयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी तो फिर उसके बाद डेटा में भी प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा की अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, डेटा अचानक गायब हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों रहनी चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करना चाहिए, सॉफ्टवेयर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने में, उसकी प्रोसेसिंग मेंटेन करने में, आपको अवेलेबल करने में हेल्प करता है, हार्डवेयर भी करता है, और हार्डवेयर डाउन होने से अवेलेबिलिटी उसकी डेटा की चली जाएगी, और डेटा ही गायब हो गया तो कंपनी ख़त्म हो गई। क्यों हुई ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फेसबुक व्हाट्सएप जैसी कंपनी डेटा बेस्ड कंपनी, प्योर डेटा वाली कंपनी है, उसमें डेटा के अलावा कुछ भी नहीं है, और $100 बिलियन कंपनी है। तो इतनी वैल्यू की कंपनी अचानक ही गायब हो जाएंगी। तो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में आप इस तरह से क्लासिफाई करोगे, इंटेंजिबल क्या है, टेंजिबल क्या है। टेंजिबल में आप हार्डवेयर लोगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस लोगे, फैसिलिटी लोगे, इवन डॉक्यूमेंटेशन और पीपल लोगे, आदमी जो स्किल्ड यूजर्स हैं, एनालिस्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो फिजिकल टेंजिबल एसेट्स में आप काउंट कर सकते हो उनको। पर्टिकुलरली HR परस्पेक्टिव से देखोगे तो वो लोगों को कि लोग, क्योंकि ऐसा है कि हमने सबसे पहले पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि जो भी आपका ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखता है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को नॉलेज होनी चाहिए, अगर नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, इसी तरीके से नीचे के लेवल पर ऑपरेशनल और टेक्टिकल लेवल पर लोग होने चाहिए जो इस सिस्टम को ड्राइव कर सकें, और स्किल्ड लोग होने चाहिए, स्किल्ड एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स होने चाहिए जो इस सिस्टम को ड्राइव कर सकें। फाइनली है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन प्रिंटेड फॉर्म हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं, सिस्टम और डेटाबेस डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इनमें से कई चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि अगर मान लिया एक एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के चले जाएगा तो दूसरा एम्प्लॉई आएगा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने क्लासिफाई किया, आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, रिस्क मैनेजमेंट देखा, आपने जाना स्ट्रेटेजिक इशू है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का इशू है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपने रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी। और अगर आप वॉच डॉग नहीं हो, हमने पढ़ा था कि ऑडिटर इज अ शुड बी अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड, कई जगह पर आप ब्लड हाउंड बन जाते हो और कई लोगों की नौकरी चली जाती है आपकी वजह से। तो जस्ट जोकिंग, तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क मैनेजमेंट में आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। एक बार आप एसेट्स का क्लासिफाई कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से एसेट्स हैं,
मतलब अगर एसेट्स का क्लासिफिकेशन होगा तो उसकी डिटेल होनी बहुत ज़रूरी है। आप उसकी डिटेल मंगाओगे, डेटा की डिटेल कहाँ से, इंटेंजिबल्स की डिटेल कहाँ से मंगाओगे, इंटेंजिबल्स की डिटेल में डेटा की डिटेल मैंने पहले ही बोला, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात करोगे कि आपका कौन कौन सा डेटा है, कहाँ कहाँ रखा जाता है। उसके बाद IT से बात करोगे जो कि कस्टोडियन है, जो ओनर है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, डेटा के जो ओनर हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HR का डेटा है तो HR का मालिक है, पहले वो HR डिपार्टमेंट में ही रहता था, वो वहाँ से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब क्या होता था कि पहले पुराना हो जाता था तो उसको आपके स्टोर रूम में रख दिया जाता था, जो कि एडमिन उसे देखता था। लेकिन अब एडमिन की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि एडमिन जो है फिजिकली उस डेटा को रखता है, अब IT रखती है, कस्टोडियन IT हो गया। थोड़ा लॉजिक समझिए, अब जो कस्टोडियन है वो एडमिन डिपार्टमेंट से मूव कर गया है IT डिपार्टमेंट की तरफ। मतलब पहले जो डेटा है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से, अगर मान लीजिए सपोज इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, पिछले 8 साल के आपको रखने पड़ते हैं, एज अ फाइनेंस हेड या फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने 8 साल की बुक्स रखनी पड़ती हैं। 8 साल की बुक्स रखने में आप क्या करते हो, 7 साल की बुक्स क्या होते हैं, गोडाउन में भेज देते हो। तो 1 साल की बुक जो है आपके पास रहती है, और 7 साल की बुक कहाँ चली जाती है, गोडाउन में चली जाती है। उसको कौन रखता था, उसको रखता था आपका एडमिन डिपार्टमेंट। लेकिन अब IT आ गई तो वो कस्टोडियन शिफ्ट हो गया। आज भी किताबें कई जगह पर कंपनीज़ में मोस्टली एडमिन डिपार्टमेंट भी रखता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं होता, उन बुक्स का यूज़ बिल्कुल बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें कौन एक्सट्रैक्ट करे, कौन डिपार्टमेंट गोडाउंस में जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारा जो डेटा है वो आपका आज की डेट में उसका कस्टोडियन है IT डिपार्टमेंट। तो IT डिपार्टमेंट डेटा के बारे में आपको बताएगा, और ये सारे ओनर्स और कस्टोडियंस आपको बताएंगे। ओनर्स मैंने बोला रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होंगे जिसका डेटा होगा, कस्टोडियन IT डिपार्टमेंट होगा। तो IT डिपार्टमेंट बताएगा डेटा कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर, कैसे कैसे रखा हुआ है, किस किस सर्वर पर रखा हुआ है, और क्या क्या उसमें ऑथराइजेशन, किस किस को ऑथराइज्ड है, किस लेवल का ऑथराइजेशन है, ये सारा चीज़, और उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में और IT के पास, दोनों के पास होना चाहिए। IT के पास कंसोलिडेटेड होगा, डिपार्टमेंट के पास उसका ऑथराइजेशन मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम में लगा होता है, और आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो ये इन सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरी निकाल देते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो आपको सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरी दे देगा, ऑटोमेटिकली बता देगा कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है, वर्जन मैनेजमेंट भी कर लेता है, कौन सा वर्जन है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगे हैं, उनकी पूरी इन्वेंटरी निकाल के आपको दे देगा। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और फिर वो सॉफ्टवेयर को आप क्लासिफाई करोगे, कौन से इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, कौन से कम इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे कोई ERP है, ERP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कोई मालूम पड़ा, कोई अगर मान लिया सब कोई नॉर्मल वेबसाइट है हमारी, और उस वेबसाइट पर हम न्यूज़ डालते हैं कंपनी की रोज की, तो वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर मान लिया सब डेटाबेस है, करंट फाइनेंस का डेटाबेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराना डेटाबेस है वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन करंट डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप उस सॉफ्टवेयर्स को लोगे, उसके बाद आप फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स को क्लासिफाई करोगे, पीपल, हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन कौन सा हार्डवेयर कहाँ पर है, लैपटॉप्स कितने हैं, डेस्कटॉप कितने हैं, आपके CPUs कितने हैं, आपके सर्वर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें पता करोगे। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस देखोगे, कम्युनिकेशन लाइंस कहाँ कहाँ लगी है, वायरलेस है, नॉन या बिना वायरलेस के काम होता है, मतलब कम्युनिकेशन लाइंस हैं, कंसंट्रेटर हैं, हब्स हैं, स्विचेज हैं। उसके बाद फैसिलिटीज़ कहाँ पर, एयर कंडीशनिंग कहाँ पर लगी हुई, ये सारी चीज़ें कहाँ पर लगी, और फाइनली डॉक्यूमेंटेशन। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या कंप्लीट हुआ कि आपने सारे एसेट की लिस्ट मंगा ली और उसको डिवाइड कर दिया कॉन्सेप्चुअल इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट्स में, और सारी की सारी एसेट की लिस्ट आपके पास आ गई, कौन कौन से एसेट, डेटा एसेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, पीपल, डॉक्यूमेंटेशन, सबकी लिस्टिंग आ गई आपके पास। अब सेकंड स्टेप होता है वैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन एसेट उसकी क्रिटिकलिटी के अनुसार, यानी कि एसेट तो सब आ गए हैं आपके पास, सॉफ्टवेयर बहुत सारे पड़े हुए हैं, डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, हार्डवेयर बहुत सारे पड़े हुए हैं, उसके अलावा लोग बहुत सारे हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी में बहुत सारे एसेट पड़े हुए हैं, तो ये एसेट को अब आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा।
क्रिटिकलिटी के अनुसार, यानी कि जैसे कि आप एसेट का पहले ABC एनालिसिस करते थे, आप इंफॉर्मेशन प्रस्पेक्टिव के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले अगर आप कहीं पर जाओगे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में, किसी भी कंपनी में जाओगे और आप उससे कहोगे कि भाई मेरे को एसेट के क्लासिफिकेशन दो, कौन कौन सा एसेट है, अगर आपके पास नहीं आया तो इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट की पहली स्टेप भी पार नहीं हुई है। लेकिन एक कंपनी है जहाँ पर आप जाते हो ऑडिट करने जाते हो, और वहाँ पर वो आपको फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड दे देते हैं, और उसके बाद फिर बाकी क्या कहते हैं डेटा की का कौन सा डेटा कहाँ पर है इसकी डिटेल दे देते हैं, कौन अथराइज दी, ये सारी डिटेल्स आपको फटाफट मिल जाती है। तो इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई कर लोगे, और इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इंफॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई कर रखा है। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट की दिशा में बढ़ रहा है, वो सही ऑर्गेनाइजेशन है, रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं है, इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आप टॉप मैनेजमेंट, अगर आप हमने पहले पढ़ा था ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, लेकिन अगर आप ब्लड हाउंड हो तो एक आध दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की नौकरी खतरे में डाल सकते हो। आप वॉच डॉग हो, वॉच डॉग होना चाहिए, वॉच डॉग हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी ओपिनियन दोगे, आपको ओपिनियन देने से मतलब है प्रोफेशनली आप ओपिनियन दोगे और फिर उसके बाद आप निकल जाओगे। ये मैनेजमेंट का काम है उस ओपिनियन को वो लागू करे कि नहीं लागू करे। बुरा मैनेजमेंट है वो लागू नहीं करेगा, अच्छा मैनेजमेंट है वो लागू कर देगा। और अच्छा सीन मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट होगा वो इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेगा, और बुरा मैनेजमेंट होगा ऊपर क्या कहते हैं नीचे बीमारी चल रही होगी, बुरा मैनेजमेंट होगा या स्किल्स ऑब्सोलीट होंगे तो वो उस इंफॉर्मेशन को लागू नहीं करेगा। तो अब आप स्टार्ट कर रहे हो वैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट, एसेट इंफॉर्मेशन एसेट के वैल्यूएशन की। अब इंफॉर्मेशन एसेट को कैसे वैल्यू करोगे, दो तरीके से, एक डेटा की क्या वैल्यू है या इंफॉर्मेशन रिसोर्स की क्या वैल्यू है, और दूसरा है बिजनेस रिस्क क्या है। कई बार क्या होता है डेटा की कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। मालूम पड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं और आपने वो ऑर्गेनाइजेशन की उन प्रॉब्लम्स को कहीं पर लिस्ट कर रखा है और रख रखा है सीक्रेटली कहीं पर रख रखा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप उन प्रॉब्लम्स को देखते हो, एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपने उन प्रॉब्लम्स को रख रखा है कि डेट क्या क्या कहीं हैकिंग हुई या कुछ हुआ, आपने उसको रखा हुआ है और एक सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है, लेकिन उसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप क्या है आपका सपोज या तो आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है उससे सीख ले ली है, और या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि वो सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली टेक केयर होती हैं, लेकिन आपने फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए समझने के लिए हिस्ट्री के लिए या किसी चीज़ के लिए वो डेटा रख रखा है, लेकिन अचानक मालूम पड़ता है वो डेटा आउट हो जाता है। वो डेटा आउट हो जाता है तो कंपनी इथिकल की जगह अनएथिकल दिखाई देने लगती है क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर को डिस्क्लोज नहीं की हैं, तो वहाँ पर बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि आप डेटा को वैल्यू जो आप डिवाइड करोगे, मतलब इंफॉर्मेशन एसेट का वैल्यूएशन करोगे क्रिटिकैलिटी के अनुसार, तो वो कैसे करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन प्रोसेस क्या होगी, तो उसमें क्या होगा दो चीज़ें देखोगे, बिजनेस रिस्क देखोगे और डेटा वैल्यूएशन देखोगे। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना है कि सारे डेटा की सेम वैल्यू नहीं होती, पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, इसी तरह से पांचों डेटा बराबर नहीं होते। पांचों डेटा मैं मजाक कर रहा हूँ, जो हर फाइनेंस का डेटा है, HR का डेटा है, कोई और डेटा है, अटेंडेंस का डेटा है, या आपका फाइनेंस के डेटे में भी बहुत सारा डेटा होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, कोई चिक्का कम इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे डेटा की सेम वैल्यू नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ डेटा कम इंपॉर्टेंट होता है। जो डेटा स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए यूज़ किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बिजनेस डिसीजंस बनाने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और वो ऑर्गेनाइजेशन वो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो कई ऑर्गेनाइजेशन में तो बजट्स भी बनते नहीं हैं, और कई ऑर्गेनाइजेशन में बजट्स बनते हैं तो वो सही तरीके से